क्या ये मस्जिद अक्सा है, क्या ये मस्जिद अक्सा है, या फिर मस्जिद अक्सा कोई और है। नाजरीन, आम तौर पर मस्जिद अक्सा के मकाम के तायुन के हवाले से लोगों में कंफ्यूजन या अबहाम पाया जाता है। कभी स्क्रीन पर नजर आने वाली इस सुरमई रंग के गुंबद वाली मस्जिद को मस्जिद अक्सा कहा जाता है और कभी इस सुनहरे रंग की गुंबद वाली इमारत को, लेकिन हकीकत क्या है? आज इस वीडियो में इस सवाल का ऐसा वाज़े और मुदल्लल जवाब दिया जाएगा कि इंशाल्लाह जो भी इस वीडियो को एक मर्तबा मुकम्मल बगौर देख और सुन लेगा, उसको फिर कभी मस्जिद अक्सा के मकाम के तायुन के हवाले से किसी भी किस्म का अबहाम या कंफ्यूजन बाकी नहीं रहेगा। मेरा नाम फैज़ान है और आप देख रहे हैं फैज़ान पीडिया। नाज़रीन, सबसे पहले मस्जिद की तारीफ जानना बहुत ज़रूरी है कि मस्जिद आखिर कहते किसे हैं। लुगत के एतबार से मस्जिद का माना है सजदा करने की जगह या इबादत गाह, और शरई इस्तलाह में ऐसी जगह जो नमाज के लिए वक्फ कर दी गई हो। नाज़रीन, मस्जिद की इस तारीफ को याद रखिएगा क्योंकि यही वो तारीफ है जो आगे चलकर हमारे मौकिफ को दलील फराहम करेगी। अब आते हैं सवाल की तरफ। सबसे पहले, सुनहरे रंग की गुंबद वाली इमारत जिसे आम तौर पर कुब्बतुस सखरा कहा जाता है, पर बात करते हैं कि क्या ये मस्जिद अक्सा है। अगर मैं इसका जवाब ये दूं कि ये इमारत मस्जिद अक्सा है भी और नहीं भी, तो यकीनन आपको हैरत होगी। लेकिन परेशान ना हो, इसकी वजाहत आगे चलकर हम करते हैं। इसी तरह से अगर इस सुरमई रंग की गुंबद वाली इमारत के बारे में भी अगर मैं ये कहूं कि ये भी मस्जिद अक्सा है और नहीं भी, तो शायद आपकी हैरत में पहले से भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, अब आपको ज़्यादा देर हैरत में मुबतला नहीं करते और हमेशा के लिए अपने नाज़रीन के लिए इस अबहाम को दूर कर देते हैं। अगर इन दोनों इमारतों को मस्जिद अक्सा कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मस्जिद अक्सा सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में से एक या फिर दोनों मस्जिद अक्सा हैं, तो आप गलती पर हैं। अब आते हैं कुरान की तरफ। कुरान मजीद में मस्जिद अक्सा का लफ्ज़ सूरह बनी इसराइल में आया है और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़रे मेराज का जिक्र है और तारीख से साबित है कि सफ़रे मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना से पहले का वाक़िया है। अब देखते हैं कि ये दोनों इमारतें, यानी कुब्बतुस सखरा और सुरमई रंग की गुंबद वाली इमारतें, कब बनी। लिहाजा जब कुतुबे तारीख को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि ये दोनों इमारतें तो 688 ईस्वी से 692 ईस्वी के दौरान बनू उमैया के दौरे हकूमत में तामीर की गई थी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना के 60 से 70 साल बाद इन दोनों इमारतों की तामीर हुई। लिहाजा इस चीज़ को नाज़रीन अपने जहन में रखते हुए सोचिए कि कुरान में जब मस्जिद अक्सा का लफ्ज़ आया था तो उस वक्त तो ये दोनों इमारतें बनी भी नहीं थीं। लिहाजा इस बुनियाद पर सिर्फ किसी एक इमारत को मस्जिद अक्सा कैसे कह सकते हैं। तो नाज़रीन, अब हम अपने जवाब के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं और अब हर चीज़ वाज़े होने वाली है। चुनाचे अब वो तारीफ अपने जहनों में लाइए जो मैंने शुरू में आपको मस्जिद की बताई थी, कि मस्जिद एक ऐसी मखसूस जगह को कहते हैं जो इबादत के लिए वक्फ कर दी गई हो। तो नाज़रीन, मस्जिद अक्सा का भी यही मामला है कि ये दरअसल एक पूरा कंपाउंड या एक बहुत बड़ी जगह है जो 35
एकड़ या 1,44,000 स्क्वायर मीटर के रकबे में फैला हुआ है। लिहाजा ये पूरा कंपाउंड ही मस्जिद अक्सा है। लिहाजा बिल्कुल ये बात दलाइल के साथ वाज़े हो जाती है कि मस्जिद अक्सा दरअसल एक कंपाउंड का नाम है। लिहाजा इस अशकाल को अब हमेशा के लिए नाजरीन अपने जहनों से दूर कर लें और ये समझ लें कि इस मखसूस कंपाउंड में जो भी मस्जिद या मुसल्ला हो वो तमाम का तमाम मस्जिद अक्सा ही का हिस्सा है। अब चाहे वो मस्जिद क़िबली हो जो आम तौर पर मस्जिद अक्सा के नाम से मारूफ है, मुसल्ला मरवानी हो या कुब्बतुस सकरा हो, या फिर कोई और इमारत जो इस कंपाउंड में हो, या फिर इसका वसी व अरीज सहन, तमाम ही तमाम मस्जिद अक्सा में शामिल हैं। लिहाजा इंशाअल्लाह अब हम ये उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद अब किसी भी किस्म का अशकाल या अभाम बाकी नहीं रहा होगा। आपसे गुजारिश है नाज़रीन कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये अशकाल और कन्फ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के लोगों के जहनों से दूर हो जाए और उन पर वाज़े हो जाए कि मस्जिद अक्सा दरअसल कहते किसे हैं। नाज़रीन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक फैज़ान पीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।